we are ready to move towards Taubat, our bikes, and beautiful view of Upper Neelam. सामने बिल्कुल इंडियन टेरिटरी है और दरिया की इस तरफ पाकिस्तानी है, तो यह है पाकिस्तानी झंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिल्कुल जी बढ़ने लगे हैं के केल और ताबत की तरफ, तो लेट्स स्टार्ट। या अल्लाह का करियर से आज का दिन गुजर रहा है। चलो भाई, कुछ लोग फैमिली जाग गए और कुछ सो रहे हैं। हमें जी अपर नीलम की उतराई है। चलो ये है कि सुबह सुबह आगे से कोई गाड़ी नहीं आई। ये जी डिसेंट है अपर नीलम का, हम लोग नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। तो ये सामने खूबसूरत आबशार, ये बात सामने इंडिया के बाहर है और ये खूबसूरत आबशार बह रही है। उल्टे आपके पहले बुलेट से करवाएंगे इधर रास्ते में। नहीं नहीं, क्या दरिया पार करना है, तो देख वो आधा दरिया तो वैसे ही खत्म हुआ, आधा दरिया रह गया पीछे, पैदल ही चल के निकल लेंगे उधर से। तो अगर तू वी स्ट्रॉन्ग मुझे वहाँ से ले रहे तो मैं ये जोखिम ले सकता हूँ। यहाँ से सही नजर आएगा, यहाँ से नजर आएगा सही जगह। तो यहाँ मैं लगा लेता हूँ बाइक तस्वीर के लिए। मेरी बाइक तो जो है वो आरपीएम इतने हाई की है मैं बाइक में। तो देखा जी बिल्कुल सामने है, यहाँ ऊपर से अपर नीलम से अब जाकर नीचे उतरेंगे तो इंडियन घर जो है बिल्कुल सामने नजर आता है। बिल्कुल सामने, ये हमारे पाकिस्तानी घर है। खेतों में कोई हलचल नहीं है। हाँ अभी सुबह का टाइम है ना, सब सोए पड़े होंगे। अच्छा भाई, इनके घरों में सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। हाँ वो ऊपर जिस घर में लगा रहा है। हाँ चलो, सोलर पैनल लगा हुआ है या वैसी छत है? नहीं सोलर पैनल है। जफराबाद की तरफ यहाँ से हम उड़ेंगे उल्टे हाथ से, तो अब हम आगे केल और ये जी रास्ता जाएंगे ना, होगा। चलो जी केल और शारदा, केल पहले शारदा आएगा, फिर केल आएगा, फिर अन केल आएगा और फिर हमारा ताऊबट आएगा। सारी जद्दोजहद जो है ताऊबट के लिए है। सुबह सुबह राइड का बड़ा मजा है, ठंडी ठंडी हवा और खुशबू, बिल्कुल फ्रेश हवा, फ्रेश हवा है, खुशबू है, ट्रैफिक कम है और सबसे मज़ा। हाँ ट्रैफिक कम है इसलिए मज़ा ज़्यादा। और यहाँ देखें दरिया बिल्कुल ठाठी मार रहा है, ये लैंड स्लाइडिंग हुई ताज़ा ताज़ा, लगात थाना पुलिस लगात पहला गियर। चलो मेरी बकरियो, चलो मेरी बकरियो 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 बकरियो। ये गलती है, राइट साइड से चल जाओ। हाँ हाँ, अबे तेरी बोल दी रही बकरियो। ओ ये कत थल ही आ गई, तो उसने कहा ना मेरी लाख रुपए की बकरी है। क्या तो अलग बजे यार, तेरी पूल गिर गया मेरा। ब्यूटीफुल
वाटरफॉल स्मेल। अच्छा, इसका ओरिजिन या पहाड़ी इधर से ही आ रही है करीब से, क्योंकि शायद ऊपर से आ रही है। बहरहाल खूबसूरत खूबसूरत है। छोटी मोटी इस तरह की वाटरफॉल्स जगह जगह पर अभी इधर से भी अच्छी है माशाल्लाह। छोटी मोटी नहीं, अब तो बड़ी बड़ी नजर आ रही है। हाँ हाँ, ये भी अच्छी है। ये एक और वाटरफॉल आ गई, बहुत जबरदस्त है यार। वाह, दो करंट आप नजर आ रही है, एक इधर से भी आ रही है और एक इधर से पानी का झरना आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, राइट लेफ्ट दोनों साइड से पानी का झरना आ रहे हैं। और ये कितने घर बनाए हुए अपना, पूरा यहाँ से रास्ता थोड़ा सा तंग किया, जिसकी वजह से ये पानी तेज हो गया। और यहाँ पहाड़ों से भी पानी सिम रहा है, ये देखें शारदा 28, रति गली 18, नूरी टॉप 60, जलघट 70, तावाट 87, बरखाथा झील यहाँ से मेरा ख्याल रति गली का रास्ता ये है। यहाँ बिल्कुल रत्ती गली जाने का रास्ता, गली भाई से पूछते क्या कहते हैं। कैसे हो रही है भाई, और ऊपर से आ रही है धूल 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 धूल। हाय, छोटे छोटे अपने क्यारियाँ बनाई है घरों के बाहर, यहाँ सब्जी वगैरह लगाई है मेरे ख्याल में। हाँ, या सब्जी और छोटा मोटा कोई डेली जरूरत क्या है। औरतें काम कर रही हैं आज, अच्छा काम औरतें कर रही है, ट्रैक्टर भी चल रहा है भाई इधर। पहाड़ों में खेत छोटे छोटे बनाए हुए हैं, हो सकता है अपने इस्तेमाल के लिए। ये मतलब ये ऐसे तरतीब से बेड ही बने हुए हैं ऊपर नीचे ऐसे, मुझे पानी आ रहा है नीचे। यहाँ बंदा पैदल चलता जाए फिर देख के कहाँ तक जा रहा है। ये यहाँ मिलता है ग्रीन तीतर, पानी क्या है ये, कश्मीरी चना चाट एंड पकौड़े। हुआ भाई, क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम। ये वोट मांग रहे, एडवोकेट की गाड़ी आ गई, एडवोकेट की। ओ उधर देख भाई सामने, ये ग्लेशियर का पानी है, वो ऊपर है ना ग्लेशियर उधर, वो ऊपर देख घर भी है साथ। इतने छिपे था मैं नहीं बस। एक मिनट भाई, तो आना गड्डी भी आ गई ना, रुकना माशाल्लाह। टायरा च नहीं लगे नहीं आएगा पक्का इंशाल्लाह। यह हो सकता है ये बारिशें वगैरह जब हुई है उसमें खराब रहा, पहले तो था यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबके तकरीबन लकड़ी के घर ही हैं यहाँ ज्यादातर, वो पीछे से थोड़े वो पक्के नहीं, इसके भी सीमेंट किया नहीं, सीमेंट ऊपर तराई कर जाना। ये आंटी बड़ी कौन है, देख क्यों देख रही है। यहाँ पे तो कम से कम ये होगा
लोकल लोग हैं ये, नहीं के जो है वो पानी की कमी नहीं होती होगी हमारे कराची वालों। हाँ, अल्लाह ताला इनका पानी की कमी होगी तो बस गड़बड़ हो जाएगी ना बहुत। भाई यहाँ पानी खत्म होगा तो आपका भी गया। यही तो एक निर्णय दे रहा है आपके पास। इट्स ब्यूटीफुल अगेन। और सामने देखे पहाड़ के ऊपर बर्फ। अच्छा यहाँ पे देखे अली आगे तो बिल्कुल खुला है वो दरिया। कितने खूबसूरत दरिया का पाठ सुनो। लेकिन तो लोग जाने भी बड़ा हुआ थे। अच्छा इधर कर लो तो लकड़ी चक्री हो रहा देर है, लकड़ियाँ चक्कर नहीं हो रहा। यही कर लेते नाश्ता, क्या ख्याल है? चला दो बाइक, चला दो चला दो, यहाँ करेंगे नाश्ता वाला। चल भाई क्या खूबसूरत है यार है? जी तो नाश्ता हमने टिका के कर लिया, दो दो अंडे दो दो पराठे एक एक ऑमलेट। केल के लिए क्या हुआ? वो लगी होगी ना पत्री। बारिश का फुल माहौल बन गया। हाँ आ गया है इम्तिहान अली भाई का। तेरे बूट तो वाटरप्रूफ है मेरे नहीं। इठ है तू नहीं पाई मैंने पहला चंगी तरह दसी कितने भी ना बना वो तेरी तो। हाँ? आ जा मेरे ट्रैक पे आ जा, थोड़ा सा पत्थर है नहीं। वाह कैसा दरिया जो है कितना चेंज हो के आ रहा है अच्छा वो लोग कपड़े भी धो रहे हैं भाई नीचे। अबे ये देख तो सही क्या सीन है यार। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी। अबे ये थी पीछे वाली जगह। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ये जगह थी। हाँ तो देखो ना इसमें नीचे बैठने की जगह भी है और नीचे दरिया में उतरने की भी जगह लगा है, टेंट लगा हुआ है। बिल्कुल यही जगह है। मछलियाँ पकड़ने के लिए रखा हुआ शायद। ये रास्ता जो है सामने से जो नजर आ रहा है ये पूरी टॉप का रास्ता है मेरा ख्याल है। क्या तीन ही रहेंगे भाई जान? हमने कहाँ जाना है, हमने भी इधर भी जाना है। नूरी टॉप थोड़ी जाना तूने
किधर जाएंगे? हम तो इधर जाएंगे, आगे तो ब्रिज आ रहा है ना, ब्रिज तो राइट टर्न लेना पड़ेगा। वापिस आएंगे वहाँ से क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंदर को रास्ता जाते हैं ऐसे। नहीं, हमें भी इसी रास्ते पे चढ़ना, उसके बाद फिर आगे कैसे ब्रिज डॉक्टर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ये सीधा ऊपर वाला नूरी टॉप पे जाता है, ये सीधा ऐसे ये जाता है नीचे, कोई ऐसे घूमता है। यही वाला रास्ता ऊपर जा रहा ना ये घूम के? अबे भाई इधर से ऊपर और जो ऊपर को दो रास्ते है ना, एक सामने जाता है एक इधर ऊपर जाता है। रास्ता नजर नहीं आ रहा ना यहाँ से, एक ही रास्ता आएगा आएगा, अब थोड़ी देर तक आएगा। ये चेक पोस्ट वाला भी पकड़ेंगे तुम्हें। अच्छा, अभी ये क्या लेके जा रहे हैं? लकड़ी पुल पर से 10 टन वजन गाड़ी गुजारना जा सकती है। ये ऊपर जाएगा नूरी टॉप। पुल की तस्वीर बनाना होता है क्यों इस पुल पे? ऐसी क्या खास बात है भाई? पता नहीं मुझे क्या पता। केल, अच्छा केल के लिए राइट साइड पे और नूरी टॉप ऊपर है। हाँ। चल निकल, इंतजार कर रहे, एंट्री कराओ एंट्री। एक खतरनाक फौजी ने से पाला पड़ गया। अच्छा जी, बता रहा हूँ मैं आपको, ये रास्ता ऊपर वाला जाता है नूरी टॉप को और सीधा नीचे से केल और ताऊबट वगैरह के लिए। सही है कहना, वीडियो बनी है? नहीं बनी ये ना, बनी है बनी। ए पुत्री ओ रक्षे, टुक टुक, क्या बात है, टुक टुक तेरी, तू किधर पहुंच गई? इमेजिन कर इस रस्ते पे रक्षे में बंदे का क्या हाल होगा। वो सामने देखें जी, पुराने जमाने वाली ट्रेडिशन यहाँ चल रही है। ये बच्चे सही है ना, इसको टैप का पता है ना, इसको इंटरनेट का, वो उससे खेल रहे हैं बाहर। इसमें पानी अभी कम है भाई, पहले दे जा रहा था। शाम शाम को जब क्रॉस करेंगे उससे फायदा हुआ, वो करना पड़ा शाम में। तो चलो सर, सीधा सीधा आ जा, बता ये पत्थर सामने है, ध्यान रखना ये बड़ा पत्थर है। यहाँ से आ, यहाँ से बड़े पत्थर से बचना, आ जा, रोकना नहीं बीच में, रेस देके आ जा, रोकना नहीं बीच में, रोकना नहीं। अल्लाह अकबर, पानी चला गया पाँव में। हाँ यही थी बड़ी बस, आगे नहीं है और कोई। वाकई आराम से गुजर गया यार, वाकई आराम से गया। जबरदस्त मंजर है वैसे तो, एक एक मंजर ही जबरदस्त है, हर मंजर पर तो अरे पुल पुल बन रहा है भाई इधर। क्या हो गया? दस्ताना गिर गया। अच्छा, मैं आया तो खुद ही डेग गया। ये पुल पुल बन रहा है भाई इधर को बड़ा। चलो अच्छी बात है यार, फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पता नहीं कहाँ रखना उन्होंने। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा ख्याल इस नाले के ऊपर ही रखेंगे। ऐसे ही कुछ लग रहा नाले के अंदर से होता हुआ और फिर वो वहाँ नीचे निकल रहा दरिया। अच्छा खासा ग्लेशियर है ये भी, एक उधर साइड से भी तो आ रहा है, एक वो वहाँ से आ रहा है यार। वाकई ये वादी जो है ना, वादी है नीलम आबशारों की वादी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पीछे रह गए।
हम ने लगाया आपको बात है भाई कहाँ चला गया बाइक कितना बड़ा आ रहा ऊपर से साला सही थोड़ा बड़ा मजे सा गया मुश्किल मेरे पास में पता नहीं मैं क्या देख सकता हूँ यार वो है मंजर क्या तस्वीर है बनाओ भाई जबरदस्त ये दरख्त अलग टाइप के है ना यहाँ पत्थर टेंट लगा लो शेप बन गई है अगले 2 किलोमीटर का रास्ता खतरनाक मोड़ और स्लाइड एरिया के ऊपर रिलीज तो मिला है जल्दी से निकल जाओ भाई एरिया पहले क्या था साला भी ऐसे था सारा ठीक है भाई हम जल्दी जा रहे हैं ये पंचर हो गया भाई का बाइक सर भाई मेरे वाला और आगे जाके भरूंगा और वो रुका कहाँ है स्लाइडिंग में भी अभी जाकर मुशारफ रोड से जो है ब्यूटीफुल जबरदस्त इधर से गिरा नहीं देना पिछले साल यहाँ घोड़े आ गए थे बहुत सारे इतने खच्चर नहीं होते पिछले साल ही डरते नहीं क्या मैं उधर नहीं जाऊंगा मैं बता रहा हूँ प्यारा यहाँ कैंप लगाने देना हमें रात कैंप पे रुकेगा इतनी ठंड में फुल भी जम जाएगी कैंप में मेरे पास तो चल स्लीपिंग बैग है मेरे पास दो भी नहीं है सारे कपड़े पहन लो मैं अभी भाई कूद पड़ा है एक और मैं भी जाने वाला हूँ अल्लाह को याद करो कामयाब अल्लाह ताला की मदद से कामयाब हो गया मेरा भाई हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता तो कठिन है कितना बड़ा ग्लेशियर है भाई ग्लेशियर देख कितना बड़ा ग्लेशियर के अंदर पहाड़ भी नजर आ रहे हैं वाह जी वाह क्या किस तरीके से पहाड़ को तराश कर बनाया गया है सिस्टम बस करो भाई बस करो बस करो भाई बस करो करो भाई बस करो बस करो बस करो भाई रोक ले उधर इसके ऊपर उन्होंने पंच चक्के भी लगाई होगी और वहां बैठ के पत्थर पे बैठ के तेरी तस्वीर खींचूंगा मैं
फेरा नहीं है यहाँ पे चक्किया और ये वो उस तरह की चीजें लगाई हुई इसके ऊपर। हाँ I think we have entered in KL. हाँ बिल्कुल KL भी हम दाखिल होगा जी। अली भाई आगे थोड़े से पीछे, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पहाड़ है। अली भाई का इरादा हो गया चेंज, ताऊ बाट से अभी जाएंगे अरन केल। ऐसा भाई हम यही सोच रहा हूँ यार, क्या बोलता है तू, क्या बोलता है? जैसे तेरे को सही लगे भाई, मैं तो रेडी। हम लोग केल में आ गए तो ये पहाड़ चढ़ने का आसान काम थोड़ी है भाई। अच्छा हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं और अली भाई पहुंच गए हैं अरन केल और अब यहाँ से अरन केल जाएंगे। अली भाई स्टिक ले रहे हैं, वो आ रहे हैं नीचे पीछे। ये चेयर लिफ्ट डोली जिसको बोलते हैं डोली, और ये उसका खूबसूरत मंजर वो आ रही है ये, बस इसके ऊपर बैठ के जाएंगे हम मज़े से। तो चलते हैं फिर, बताता हूँ मैं आपको आगे क्या करना। चलो मैं और अली भाई बैठ गए हैं डोली में। किधर है डोली? अच्छा गियर लगाया इसने। ये है डोली साहब जिस पे हम बैठ के हैं। अली भाई अभी मर्दानगी दिखाओ। इस पे हम बैठ गए हैं जी बीच के ऊपर, सीधा जाते हैं। ये ट्रैक है, अभी जरा इम्तिहान है भाई, आ जाए। अरे बेटा कहाँ ले आए तुम, बहुत मुश्किल है। ये देखिए मोहब्बत की लाजवाब दास्तान। ओ चोटी देखे, चलो जी। हाइकिंग के दौरान आपकी जूता ऐसा होना चाहिए, लाइन यार, वरना आपके लिए बड़ी जोखिम हो सकती है। बस ये बेहतरीन, ये सामने वाली भी तो अपनी दीवार वहाँ छोटा सा इग्नाल रखा है। यहाँ थोड़ी सी आबादी है, उसके आगे जो है वो मैदान है। ये है जी केल का मंजर, अरन केल सॉरी। बस जी 5 बज गए, अभी हमारा टाइम हो गया नीचे जाने का। आगे हमने राइड करनी है और नाइट जहाँ मुनासिब जगह मिली वहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह।